गाइस गुड मॉर्निंग, और ये है आज हमारा छठा दिन। और आज हम है सोनमर्ग और आज जाएंगे हम श्रीनगर। हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है और राहुल भाई तैयार हो गए। हाँ राहुल भाई तैयार हो गए, रेडी। अब अपन चलते हैं नीचे, गाड़ी में सामान वगैरह रखते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। वैसे बाहर के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, और यहाँ से तो व्यू भी अच्छा आ रहा है। एक बार मैं आपको सबको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। सोनमर्ग है तो काफ़ी अच्छी जगह, और लेकिन अभी यहाँ पे बारिश हो गई तो पानी पानी हो रहा है नीचे, काफ़ी चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, सारे जूते वूते कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो अब फोटो वीडियोस बना लेते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। हाँ क्या हुआ, थार में? अच्छा वो सामान हम जमा रहे हैं। सोनमर्ग में सबसे अच्छी जगह फोटोशूट के लिए यही बताई जाती है, तो यही हमने रुका है। काफ़ी अच्छे, मतलब यहाँ रिवर बह रही है, वो आप देखोगे तो ऐसे लगेगा बहुत स्पीड से बह रही है, काफ़ी स्पीड से बह रही है ना। और यहीं पे फोटोज क्लिक करते हैं, थोड़ी थोड़ी मस्ती करते हैं। कितनी ठंडी हवा चल रही है ना पानी की। टिकट लिए अभी 30 रुपए का एक, 30 रुपए का एक, 210 रुपए दिए हम, 7 मेंबर हम। चलो चलते हैं। हमारे पास पैसे छुट्टे नहीं है, इसलिए हमें बोल रहे पैसे चेंज करा के लेके आओ। हम कहाँ जाए चेंज कराने के लिए, ये बताओ आप। जयपुर? नहीं सर, जयपुर बहुत लंबा हो जाएगा हमारे लिए। चलो चलो अभी। और यहाँ पर देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, किसकी वजह से चल रही है? पानी आ रहा है ना, बर्फ का पानी आ रहा है पूरा। ये आ रहा है अमरनाथ से, अमरनाथ से पानी आ रहा है, ये बर्फ का। मिल गया ना यार, चेंज मिल गया सरदार भैया यार। भाई रोशन फोटो शूट करेगा भाई, एक बार दोबारा रोशन। भाई कम ही हो भाई, फोटो शूट चल रहा है, रोशन फोटो क्लिक कर रहा है भाई के। आतंकवादियों के ऊपर बाटे फेंक रहे, उधर से भी फायरिंग हो रही है, इधर से भी फायरिंग हो रही है। गोला बारूद फेंके जा रहे हैं इधर से उधर। बाइक राइडर्स के लिए तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। अब यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हुआ था, हल्का सा टच हुई थी, तो उसी में इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के लोग। कोई अच्छी बात ही नहीं है, इतनी दूर से ट्रेवल करके आते हैं और टूरिस्ट बन के आते हैं, उनके साथ ऐसे तो ना करना चाहिए। तो बेटा इस गाड़ी में बैठे बैठे हाथ पैर थोड़े जाम हो गए, और अब काफ़ी टाइम भी हो गया, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता तो क्या करेंगे, खाना ही खाएंगे, नाश्ता तो सुबह हो चुका था। तो अभी जगह अच्छी जगह रुके हैं, अब वहाँ पे खाना वाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, पता नहीं कहाँ ले आए, पता नहीं, हम तो सो रहे थे, मैं तो सो रहा था, मतलब बाकी सब तो जाग रहे थे। तो अब जाके आगे कोई मूड होता हो ना कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। अरे भाई लोगों, नींद तो उड़ गई, तो यहाँ लेके आए भाई लोग बोटिंग करवाने, शिकारा बोलते हैं। आपको नाचना है?
भाई आप भाई ना भाई अपन की 200 फीट की नहीं नहीं 200 फीट की हर चीज में 214 नंबर की कहाँ के हो आप पंजाब के गाइस हम आ चुके हैं द लेक श्रीनगर में और अब क्या करेंगे अपन इसको क्या बोलते हैं शिकारा है इसमें बैठ के 8 पॉइंट घूमेंगे हम पूरे 8 पॉइंट हाँ अलग अलग पॉइंटों पे घुमाएंगे रोशन भाई तो बैठ चुके हैं महाराजा के तो अरे भाई भाई गिराएगा अरे भाई 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 सरदार भाई मजे मतलब यार शॉपिंग वॉपिंग की दुकान भी है शॉपिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो जैसे कि कपड़े क्लॉथ्स वगैरह या फिर सब्जी या कुछ खाने की चीज़ें लेनी है ना तो वो सब चीज़ें मिलेगी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह भी मिलेगी है ना और यहाँ कुछ बिस्किट वगैरह चाय वगैरह वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे घर भी बने हुए पानी के बीच में ही काफ़ी टाइम से जो और मिट्टी भी है पता नहीं कहाँ क्या नज़ारे काफ़ी अच्छे लग रहे बोटिंग वगैरह इनमें शॉप्स भी है सारी के सारी दुकानें हैं वो तुम्हारे को शॉपिंग करनी है तो ये बोट से बोट में ही शॉपिंग कर लो कोई चाय वगैरह पीना है तो वो भी ऐसा हो जाता है और ये देखो यहाँ पे भी सेलिंग हो रही है ये आपको कुछ लेना हो तो रोड रोड नहीं चाहिए बोट का मजे तो असली मजे तो राहुल भैया ले रहे हैं जब मुझे आते हैं क्यों साहब रुपए कांच की कांच की तरह शक्ल तो दिखेगी ऐसे भी दिख जाएगी ये पानी बहता नहीं है क्या इसका बहता तो चेंज तो हो जाता है गंदा पानी अच्छा गेट है क्या इसका गेट बंद किया हुआ है क्या पानी का गेट नहीं छोड़ दो होटल में बैठ के चल जाएंगे अच्छा ओ धीरे 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 ये सारी होटल में बैठ के चली जाएगी ये होटल बोट वाली होटल्स बोट हाउस सोना का पहनती है इसकी तो तभी चांदी का आइटम बनवाए चांदी महंगी हो रही है चांदी का आइटम बनवाए भैया ये ले लो हाथ में पहनने का है वो चाहिए अच्छा नहीं नहीं आप तो 100 रुपए की कोल्ड कॉफी कोल्ड कॉफी कोल्ड चॉकलेट नहीं अल्लाह का गेल कर लिया यार वो कहना नहीं 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 चाहिए नहीं कश्मीर को देखते ही आपको समझ ही रहा है कहवा क्या कहवा कश्मीर का एक मतलब ऐसा नशा है कि पूछने की बात है ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गया कहवा अच्छा आप ट्राई करके देखो जब आपको पता चलेगा भैया नशे करता ही नहीं है नशे करने वाले ये नशा नहीं है मतलब छा गया लेकिन नशा नहीं है उसमें कहवा है चाय 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 अच्छा चाय को बोलते हैं क्या जैसे स्टारबक्स है जैसे मतलब कैपेचिनो है वैसे कहवा है कहवा मेरी कहवा में क्या क्या होता है कश्मीर में आया कहवा नहीं पिया तो फिर क्या पिया बाबा जी को टुल्लू नहीं हम तो कश्मीरी कहवा पियेंगे यादाश्त यादाश्त नहीं यादाश्त तेज होती है क्या
कश्मीरी कावा तो थोड़ा इधर ना होना मेरी कावा तो पी लिया है ना, अब बारिश आ गई है बीच रास्ते में बोट पे आया अपन तो भाई थोड़ी जल्दी सबको जल्दी हो रही है, बीच ना जाए तो पर्दा वर्दा लगा रहे हैं, तो केबिन बन गया पूरा पूरा पर्दा लगा के बरसात ये लगा दिया हमने भी केबिन रुक रहे लो भाई लाए इतनी अच्छी जगह आकर भी भाइयों की याद आ रही है, आतंकवाद खत्म हो गया है? ये घर पे चिल कर रहे हैं भाई लोग, तो पहले इतना सो जी बट ठंडी ठंड लग रही है, जैकेट पहन रखा मैंने, तो डिस्काउंट करा दिया हमने घर की एसी काम नहीं कर रहा, फुल कर एसी वाले को बुला और अभिषेक की तबीयत कैसे गए? ठीक है यार, उसका फोन लग ही नहीं रहा मेरा, मैंने तो फोन किया था उसको, नेटवर्क और नहीं आ रहा को, या शायद उसका नेट बंद है। क्या करेगा उसके टाके खोलेगा? अरे तबीयत तो पहले ही खराब है, क्या टाके खोलेगा तुम? हाँ ये तो है। एक पे घूमते बहुत देर हो गई, थोड़ी नाश्ता भी कर लिया हमने, अब तो थोड़ा ठंडा भी हो जाए, आइसक्रीम हो जाए, क्यों ना, है ना, अच्छी खासी हवा चल रही है।